हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिश्री अवे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा। हम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी में। तो हम लिए कक्षा 11वीं का जो है हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिट के बारे में मापन और मात्रक पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 1 पार्ट 2 भी वीडियो बना दिया गया, जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। डेली डेली आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी की तरफ से। अगर आपको नोट्स पाना है तो हमारे कॉन्टेक्ट पर जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम जो जानेंगे प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर क्या होता है। हमारा प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो लाइट ईयर्स क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी या फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी एवं दो तारों के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, जिसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी या फिर दो तारों के बीच की दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए हमारा सूर्य है और पृथ्वी है, अब जो सोचे कि सूर्य से चले भैया पृथ्वी की दूरी कितनी है, नाप लिया जाए, मन में सवाल आएगा तो किसके द्वारा नापेंगे, तो हम वो जो नापेंगे वो हम प्रकाश वर्ष के द्वारा ही मनापेंगे, जिसको कहते हैं लाइट ईयर्स, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष को क्या बोला जाता है, लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर्स क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और इसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी या चंद्रमा से पृथ्वी एवं दो तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है, जिसे हम लाइट ईयर प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष की परिभाषा देखें तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है, निर्वात या वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो हमारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली जाती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष को हम जो ये होता है एक ये है और ये एल और वाई है, इसे वन एल और एक प्रकाश वर्ष है तो एल वाई लाइट ईयर, एल वाई लाइट ईयर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए जो नोट्स है ये हमने एक बच्चे से बनवाया, तो उसकी जो हैंड रिटन है थोड़ी सी पुअर है, तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको अलग से नोट दूंगा क्योंकि अभी लॉकडाउन में जो हमारे टॉप राइटर हैं वो नहीं बैठ रहे हैं, जो हमारे टॉप बेस्ट पे राइट करते हैं वो नहीं हैं, तो जो टाइपिंग इसमें नहीं हो पा रहा तब से आपको इसमें ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो निर्वात या वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष को एल वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, याद के रहिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, यानी कि वन लाइट ईयर, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, यल है, ये क्या है हमारा यल है और ये क्या है हमारा वाई है। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात या वायु में एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी वन एल वाई के बराबर होता है। एक एल वाई बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ इंटू एक वर्ष में 365 दिन और एक अब फिर 60 × 60, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, तो एक लाइट ईयर बराबर जो मान आएगा वह आएगा 9.46 × 10⁻¹⁰ मीटर। ये समीकरण क्या है हमारा, एक है। तो एक लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 × 10⁻¹⁰ मीटर होता है। अब यहाँ पे शो किया है कि एक लाइट ईयर में, तो इसको मैं आपको थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, देखिएगा। अब हम अगर हम इसको जो मीटर में इसको सेंटीमीटर निकालें तो एक लाइट ईयर बराबर कितना है, 9.46 × 10⁻¹⁰ कितना है, 15 मीटर। समीकरण एक बना लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है कि अब जानिए कि एक मीटर में एक्चुअली में एक मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10^2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो अब इस एक मीटर के स्थान पे 10^2 रख दीजिए, तो 9.46 × 10^15 × कितना हो जाएगा, 10^2 कितना हो जाएगा, 9.46 × 10^17 सेंटीमीटर आगे नहीं। तो एक लाइट ईयर में कितना होता है, 10^17
9.4 × 10⁻³⁷ सेंटीमीटर। मान लीजिए मीटर में है, अब आपको सेंटीमीटर बदल लिए। अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो अब देखिए, क्योंकि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर आप एक मीटर का मान चाहिए तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना 10³, सॉरी यहाँ पे किस में है, गुणा में, भाग में आएगा, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब नीचे ये किस में है, प्लस में, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में, तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो 1 मीटर में कितने मीटर, किलोमीटर, 10⁻³। अब हमने एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻¹⁫ मीटर। और 1 मीटर का मान कितना ले आए, 10⁻³ किलोमीटर रख दीजिए, तो 9.46 × 10⁻¹⁫ और 10⁻³ हो जाएगा। अब ये आधार आधार समान है, घाते आपस में जुड़ गए, तो 9.46 × 10⁻¹⁫ - 13 किलोमीटर। अब ये घट जाएगा कि नहीं, तो घटा दीजिए, चलिए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.46 × 10⁻¹⁫ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 किलोमीटर हो गया। हो गया कि नहीं, तो एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻¹⁫ किलोमीटर, और एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻¹⁫ मीटर, और एक लाइट ईयर में हमारा क्या होता है, 9.46 × 10⁻¹⁷ सेंटीमीटर। तो एक ही चीज़ के कई मान हमने यहाँ पे थोड़ा है, तो वही है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है पारसिक। हमने प्रकाश वर्ग तो जान लिया, जो कि हमारे दो तारों के बीच की दूरी को व्यक्त किया जाता है, यानी कि किसी लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हमारे जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है पारसिक, कि पारसिक हमारा क्या होता है। तो पारसिक क्या होता है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसके द्वारा आकाश गंगा का आकार मापा जाता है, ठीक है, बात समझिएगा। पारसिक क्या होता है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसके द्वारा आकाश गंगा का आकार मापा जाता है, और पारसिक को पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो पारसिक क्या होता है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसके द्वारा आकाश गंगा का आकार मापा जाता है। फिर वही बात आई यहाँ पे, अगर एक प्रकाश वर्ष में बात करें, तो एक प्रकाश वर्ष में जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है एक प्रकाश वर्ष में 3.06 × 10⁻¹⁶ मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं, तो 3.06 × 10⁻¹⁶ मीटर होते हैं। तो अब हम लोग इसको मीटर सेंटीमीटर में मान निकालना आपको बता देते हैं। तो अब लिख देते हैं प्रकाश पारसेक क्या होता है, तो एक पारसेक में 3.06 × 10⁻¹⁶ मीटर, और पारसेक का वो क्या होता है परिभाषा, तो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसके द्वारा आकाश गंगा का आकार मापा जाता है, और इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक पारसेक में देखें तो 3.06 × 10⁻¹⁶ मीटर है, मीटर है ना। अब हम देखिए, ये हमारा मीटर में मान है, क्योंकि आपके अगर एग्ज़ाम से देखिए, वो चाहे हमारे नीट हो, चाहे नीट हो या फिर आईआरटी हो, वो सभी में आता है, ठीक है ना, नीट हो या फिर आईआरटी में। तो एक पार से के बाद 3.06 × 10⁻¹⁶ मीटर। अब देखिए, अब हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻²⁰ सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के स्थान पे 10⁻²⁰ सेंटीमीटर रख दिए यहाँ पे, तो चलिए रख देते हैं। तो एक पारसिक बराबर 3.06 × 10⁻¹⁶ × 10⁻²⁰ सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 3.06 × 10⁻¹⁸ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो एक पारसिक का मान 3.06 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर भी निकल के आया। अब मान लीजिए कोई बोला कि चलो भैया इसको किलोमीटर में बदलो, किसे बदलना है, अब हमें टारगेट रन करना है किलोमीटर। तो पहले निकालिए कि एक किलोमीटर में देखें तो कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं हमारे, 1000 मीटर होते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर ये किसमें है, किसमें है, ये हमारा गुणा में है, अगर इधर लेके भाग में आएंगे नहीं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा नहीं, ये नीचे किस में है, प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो हो गया 10⁻³ किलोमीटर। और अब यहीं पे इसको पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक पारसिक बराबर 3.06 × 10⁻¹⁶ मीटर होता है, और इस मीटर के स्थान पर इतना रख देंगे किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 3.06
इंटू 10 के खाते 16 इंटू 10 खाते माइनस 13 कर देंगे तो 3.06 इंटू 10 खाते 16 माइनस 13 तो टोटल कितना 3.06 इंटू 10 के खाते 13 किलोमीटर हमारा मान निकल के आ गया। तो हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पारसिक है। देखिए वही तो है ना, देखिए यहाँ पे एक पारसिक बराबर, अगर पारसिक की परिभाषा देखें तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसके द्वारा आकाश गंगा का आकार मापा जाता है और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। एक पारसिक का मान कितना होता है 3.06 इंटू 10 घाते 16 मीटर होता है। अगर हम सेंटीमीटर देखें तो 3.06 इंटू 10 घाते 18 सेंटीमीटर होता है। अगर बात करें हम इसको किलोमीटर में तो 3.06 इंटू 10 घाते 13 किलोमीटर हमारा होता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा है जो कि आपके क्लास 11th का, अगर मान लीजिए इसका आपको PDF चाहिए, PDF चाहिए तो आपको 8081323081 पर आपको WhatsApp कीजिए, आप वहाँ से PDF अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ही आप PDF लीजिए। अगर आप वीडियो के माध्यम से आप नोट्स बना ले रहे हैं तो आपको PDF की आवश्यकता है नहीं, नहीं बना पा रहे हैं तो आपको हैंड रिटन आपको PDF हमारे इस WhatsApp नंबर पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। सभी वीडियो आप प्ले लिस्ट में वॉच कर सकते हैं।